आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी जीडी के जीएस की क्लास में आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पहले जो मैंने 20 क्लासेस अपलोड किए हैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लें। बहुत कुछ आपको सीखने का जरूर मिलेगा, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो जरूर आपका थोड़ा हाई जरूर हो जाएगा, आप देखेंगे तब, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आपको दिख ही रहा होगा। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है कोसी, यमुना, अलकनंदा या घाघरा, कौन मिलती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा अलकनंदा, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। डिटेल से हम क्वेश्चन को नहीं देखने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो केवल वन लाइनर ही देखेंगे। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ज्योतिबा फुले को, गोविंद राय फुले, गोपाल हरि देशमुख या सावित्री बाई फुले? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1873 में उन्होंने, मतलब ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, यानी ये जो उन्होंने है इसके स्थान पे कौन हो जाएंगे, ये चार ऑप्शन में से आपसे पूछ रहा था, तो ज्योतिबा फुले जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? वासुदेव, कौटिल्य, मेगास्थनीज या विशाखदत्त? तो ये हो जाएगा आपका, कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 10? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा, 22, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सीवी चंद्रशेखर को मैं योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, किस योगदान के लिए? मणिपुर में योगदान के लिए, कथक में, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो ध्यान रखिए किस में, भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? ये क्वेश्चन है, भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी या कथक? क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसा या कथक? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भरतनाट्यम के हो जाएंगे। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं आप सभी को पता है, कितने हैं? 8। भरतनाट्यम मैं यहाँ पे लिख दूँ, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एक हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका कथक, तीसरा आपका हो गया कथकली, चौथा आपका हो जाएगा मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम चौथा आपका ये हो गया, पांचवा आपका हो जाएगा सत्रिया, उसके बाद आपका मणिपुरी, फिर आपका कुचिपुड़ी, फिर आपका बचा कौन सा, उड़ीसी। कितना हो गया, 8 हो गया आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लियर हो गया। इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया है टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो 20 क्लासेस मैंने कराया है उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से कराया हुआ, तो आप लोग प्लीज़ चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 281। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे, कौन हो जाएंगे? तो बाणभट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए? 1/5, 1/10, आधा या 1/3? तो ये हो जाएगा 1/10 भाग होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, भरतनाट्यम, कथकली में, कथक या लावड़ी? किस में? तो ये हो जाएंगे आपके भरतनाट्यम में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने इस क्लास में शामिल किए हैं सारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये किस में कहा गया है, कौन से अनुच्छेद में? तो आर्टिकल एक में कहा गया है। किस में? अनुच्छेद एक में कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 18, 14, 12 या 16? तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है, क्या करता है? बैगनी करता है, गुलाबी, नीला या पीला? तो ध्यान रखिएगा क्या करता है, नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास, आर्थिक विकास? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रदूषण। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस क्लास में मैंने एक भी अपनी तरफ से क्वेश्चन को ऐड नहीं किया है, सारे मैंने प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन को उठाया हुआ है, तभी मैंने इस क्लास में शामिल किया है। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? ये प्रश्न है, हृदय रोग, फ्रैक्चर, बुखार या दिल का दौरा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा, बुखार। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या गंगा? किस नदी के तट पर हुआ था? तो नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? 1982, 41, 78 या 2015? तो 1982 में आयोजन किया गया था भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सागा दावा सिख द्वारा, बौद्ध, हिंदू या जैन? किसके द्वारा? तो बौद्ध के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेविमीटर का, एनीमोमीटर का, रिएक्टर स्केल का या दाब सेंसर का? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हमारा बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का, तेलंगाना, असम या तमिलनाडु का? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, असम का। मैंने इसके पहले बहुत जो भी क्लास करवाया है 20 क्लासेस, उसमें कितनी बार मैंने डिस्कस किया होगा आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2004 से 9, 2002 से 7, 2007 से 12, 2005 से 10? इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, 2002 से 7 तक अवधि हो जाएगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको याद रहेगा 2002 से 2007 तक, ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के में हुई थी, दिल्ली मतलब कहां पर हुई थी? दिल्ली में, मुगल गार्डन, फिरोज शाह कोटला, सफदरगंज का मकबरा या लाल किला? तो ये हुई थी आपका फिरोज शाह कोटला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हमारा आज के क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे, तो यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो मेरी तरफ से पूरी की जाती है, आपकी तरफ से दिखता है कि नहीं पता नहीं, मेरे को नहीं पता। यदि लगता होगा कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो ऐसा मत किया करिए, एक प्यारा सा आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट मिलते रहते हैं। प्लेलिस्ट को एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लास मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।